मीडियम क्लास फैमिली क्या ले ले? अरे नहीं इधर ही इधर है रुक इधर ही यार है ज्यादा महंगा नहीं सर 68,000 ज्यादा नहीं इनकी 15 दिन की यूट्यूब की ये चीज और बढ़ने वाली है जो 2017 में हुआ था आप डरो मत आपको आप कौन सा हेलो एवरीवन वेलकम टू डॉक्टर रुखेश और फाइनली यहाँ पे हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है और इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है इनको कि नहीं है हाय गाइस आप तो जानते हैं इनको और मैंने जब इनके साथ में फोटो नहीं मैंने खाली ऐसा डाला था कि आज के टेक्नोस में एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो काफी सारे लोग ने पहले से ही गेस्ट कर लिए थे कि धर्मेंद्र जी और बहुत सारे लोग मुझे पहले से बोल रहे थे जब आप मुंबई में आए थे क्योंकि आप टेक्नोलॉजी जाके सर आप मिलके आइए कोलैब करिए तो मैंने कुछ बोला नहीं था मैं सरप्राइज लगा था अच्छा मुझे भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी से जरूर मिलेगा मैं तो पहले ही बता दिया था वही तो आने से पहले मुझे बोल पहले ही बता दिया तो धर्मेंद्र जी ने पहले मुझे बोल दिया कि भाई मुझे ज्यादा टेक का इतना नॉलेज नहीं पता तो इनके चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे आप जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन सबको पता ही है कि ये कौन है सबको भी बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स बिल्कुल तो शुरू करते हैं तो पहली खबर की बात करते हैं और बात करते हैं एप्पल की इक्वल टू बैड न्यूज तो आपको पता है एप्पल मतलब बैड न्यूज वो मेरे लिए अच्छा। वो टेंशन मत लीजिए तो बात हो रही है कि यहाँ पे हांगकांग से मुंबई के अंदर एक पर्सन आए थे जिन्होंने 11 आईफोन 10 को स्मगल करने की कोशिश की मुंबई के अंदर हांगकांग से 10.5 लाख रुपए के वो आईफोन थे टोटल और वो सीज्ड हो गया अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बात ये हो रही है अपने मुंबई दिल्ली वगैरह सब जगह पे इंडिया के अंदर आईफोन 10 की शॉर्टेज है या उसको बोलते ना उसको जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ गया था तो यहाँ पे मुझे अभिषेक ने भी बताया थे गैजेट्स यूज थे कि 1.5 लाख 2-2 लाख में बिक रहा है जो 89,000 वाला जो वेरियंट है 64 GB वाला वो 1.5 लाख में बिक रहा है और जो 1 लाख वाला है वो 2 लाख में बिक रहा है सबसे पहले हमको ये पूछना चाहिए रुहेश जी कि ये आईफोन एक्स लिखा रहता है कि 10 है नहीं, वो यही नहीं समझ में आता मतलब कभी हम बोलना चाहते हैं कुछ तो लोग सोचेंगे हंसने लगेंगे यार इसको पता नहीं आईफोन एक्स है मैं खुद पहले तो मुझे कुछ थोड़ा बता दीजिए पहले कि आईफोन एक्स बोलते हैं वो मेरे ख्याल से वो रोमन में शायद से एक्स मतलब 10 ओके हाँ तो इस तरीके से आईफोन 10 ही है वो एक्चुअली 10 ही है वो एक जो है वो एप्पल की 10 ईयर एनिवर्सरी वाला फोन है तो एप्पल ने कुछ नया लाया तो स्पेशल होगा ही इसलिए उसको 10 बोलते हैं ऐसा है तो बस ये कुछ सीन हुआ है और ऐसे काम करते रहेंगे तो मुझे पता नहीं है क्या होगा पूरा आ रहा था देख रहा तो पूरा इसका एप्पल है आईफोन एक्स का पूरा बोर्ड लगा हुआ था बड़ा मुंबई में हाँ हाँ तो उधर बिहार वगैरह में कहीं नहीं लगाते हैं ये सब अपने मुंबई में ज्यादा होते हैं बिकता है ना डिमांड है ना भाई 2-2 लाख में दे ले रहे हैं तो मैं सबने यूट्यूबर ने उसका अनबॉक्सिंग किया कुछ है जो नहीं किया मैंने भी नहीं किया इंटरेस्टिंग है तो काय को करें सही बात अब बात करते हैं यहाँ पे आईफोन 10 की ड्यूरेबिलिटी की तो बताया जा रहा था कि एप्पल ने ऐसा बोला था कि उसके ऊपर जो ग्लास है फ्रंट और बैक में अभी तक के जितने फोन्स में ग्लास यूज किए गए उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल ग्लास है वो ऐसे एप्पल बता रहा था मतलब गिरने से ज्यादा उसको डैमेज नहीं होगा लेकिन एक रशियन एक लड़का है जिसने ऐसा क्लेम किया कि हाथ से गिरते ही फोन टूट गया लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि एकदम से चकना चूर हो गया था पीछे तो ये मुझे लगता है कि वो झूठ भी बोल सकता है तो ऐसा हो सकता है मतलब फोन के आगे तो ग्लास लगता है देखें लेकिन पीछे भी ग्लास लगता है क्या क्योंकि पीछे ग्लास बॉडी होती है ना तो पीछे भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दे देते ऐसा होता है क्योंकि गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन जो है वो ग्लास पे ही जाता है ना तो इस हिसाब से क्या होगा कि वो पीछे एकदम चकना चूर हो गया आप जैसे की फोटो देखेंगे तो मुझे लगता है कि कितने लोग बदनाम करने के लिए भी करते हैं अब मैं एकदम से एप्पल का दुश्मन नहीं हूं जो है वो आप लोगों को मैंने बता दिया तो ये भी हो रहे हैं लेकिन एप्पल मेरी तरफ से मुझे सत्य कि दिन टाइम खराब चल रहा है इसके लिए एप्पल इक्वल टू बैड न्यूज बात करते हैं यहाँ पे रैनसमवेयर अटैक की तो आप लोगों को बता रहे थे कि अभी यहाँ पे कुछ रिसर्च किया गया जो बड़ी बड़ी जो बैठे रहते टेक वाले उन्होंने बताया कि वर्ल्ड के अंदर 7 ऐसी कंट्री है जो हाईली प्रोन है वायरस अटैक के लिए रैनसमवेयर अटैक के लिए जिसमें इंडिया भी आता है अनफॉर्चुनेटली तो मुझे तो काफी डर लग गया था हालांकि मैं तो कुछ ऐसे काम करता हूँ नहीं लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर जो ऑफिसेस होते हैं जो कमर्शियल्स होते हैं जो काम करते हैं पब्लिक उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं उस पर ज्यादा अटैक होता है अब 2018 में बताया जा रहा है कि ये चीज और बढ़ने वाली जो 2017 में हुआ था आप डरो मत आप कौन सा मतलब अगर हम खरीद रहे हैं पायरेटेड नहीं यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है उससे कोई मतलब नहीं है उससे उसका कुछ नहीं है मतलब ये डिपेंड होता है अब बोलते हैं नसीब ये उस पे भी होता है तो वो फिर क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा तो आपके बिटकॉइन है नहीं तो बिटकॉइन में पैसा देना पड़ता है हमारे कंप्यूटर में कुछ है नहीं ऐसा कि जो मतलब लेके जाए क्या वीडियो लेके जाए वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है सब वीडियो भरा हुआ बस कुछ होगा तो फिर आपको बिटकॉइन में देना पड़ेगा बिटकॉइन को ना बिली फॉर यू को पता है कैसे करना है बिली फॉर यू बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं
जोक ऑफ द डे की पैनासोनिक ने अपना एलयूगा A4 करके स्मार्टफोन जो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया, जिसको पैनासोनिक बोल रहा है मॉन्स्टरस बैटरी 5000 mAh की, 6000 और 7000 नहीं है तो 5000 में मॉन्स्टरस नहीं बोल सकते। 12,500 रुपए की इसकी प्राइस रखी गई है। आपको नहीं पता होगा कि क्या लफड़े चलते हैं स्नैपड्रैगन मीडियाटेक में, ये आजकल बहुत हो रहा है। 12,500 रुपए में मीडियाटेक का प्रोसेसर है, बस उसके बाद में इसकी स्पेसिफिकेशन मत सुनो, एचडी की डिस्प्ले, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज वगैरह वगैरह। तो ये जो कंपनीज होती है पैनासोनिक और ये सब जो है वो आज तक सिर्फ मीडियाटेक पे ही फंसे हुए हैं। और मीडियाटेक के जो प्रोसेसर होते हैं, मैंने लोगों से कहा था कि 10,000 के नीचे मिलते हैं, वो भी अगर 5.3 या 5.0 वाले प्रोसेसर तो ठीक है, और 6-7,000 में 3.7 वाले ठीक है, लेकिन 10,000 के ऊपर चले जाते हैं तो 4.35 और 6.25 वाले ठीक है। लेकिन ये कंपनी सिर्फ बिजनेस कर रही है, R&D कुछ नहीं करती है। तो मैं ये चीज धर्मेंद्र जी को पता नहीं होगा, ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि मेरा बोलने का मतलब। तो आइडिया की तरफ से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि आइडिया ने अपना एक रिचार्ज लेके आया, और ये सारी जो कंपनी जो अपने रिचार्जेस लेके आती है ये क्यों लाती है मालूम? क्यों? जियो ने लाया था इसलिए। इनके लड़ाई से हमारा फायदा हो रहा है। आप आइडिया ने जो रिचार्ज लाया, मैंने आइडिया का सिम कार्ड तो यूज नहीं किया, लेकिन 357 रुपीज वाला रिचार्ज लाया, जिसके अंदर आपको 1.5 GB दिन का मिलता है, और अगर उसको आप मंथली कैलकुलेट करते हो तो 42 GB हो जाता है। आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलते हैं, लेकिन बुरी बात ये होती है कि इनका कैच रहता है, मुझे पता नहीं अनलिमिटेड कॉल्स किस पे जा रहे हैं, सिर्फ आइडिया टू आइडिया ऑल ओवर द नेटवर्क है, और 100 SMS डेली मिल रहे हैं, एक महीने का रिचार्ज है। चलिए ये तो अच्छा है, मतलब कि ये लोग कॉम्पिटिशन में लड़ रहे हैं, एक से एक ऑफर आ रहे हैं, हम लोग को फायदा हो रही है, अच्छा है। लेकिन फिर भी हम एक चीज मानते हैं, जियो जो ऑफर देता है ना वो शायद दूसरे वाला उतना नहीं देता, हमको ऐसा लगता है। थग लाइफ जो बोलता है वो करता है, बात ये। और बताए तुम लिखते थे ना थग लाइफ मुंबई, तो मुझे समझ आता कि थग लाइफ का मतलब होता क्या, फिर बाद में देखे कि यूट्यूब में सर्च के गूगल में तो बिंदास लाइफ, सर लोग मुझे पूछ रहे थे रुहेश का बिंदास लाइफ मुंबई वाला। तो नोकिया की तरफ से खबर आ रही है और बता दे रहे कि नोकिया ने अपना नोकिया 5 का एक नया वेरिएंट, यानी कि 3GB वाले रैम वाला वेरिएंट जो वो लॉन्च कर दिया। जो नोकिया 5 का 2GB वाला था वो आपको 12,500 रुपए में मिल रहा था, लेकिन 3GB वाला आपको 13,500 रुपए में मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी आपको सिर्फ 16GB की स्टोरेज मिलती है। अब अगर 2GB और 16GB का कॉम्बिनेशन है तो आप 3GB और 32GB का कॉम्बिनेशन दे देते। अब नोकिया ऐसा क्यों करता है पता नहीं। नोकिया फिर भी नोकिया हमारे गांव में बहुत चलता है, अभी भी बहुत से लोग जो है नोकिया का ही फोन खरीदना पसंद करते हैं। मेरे पिताजी खुद नोकिया के भक्त हैं, दूसरा फोन यूज नहीं करते हैं, बस नोकिया ही चाहिए, नोकिया चाहिए। मेरे घर में अभी भी वो है ना, वो छोटा वाला 33 वाला पड़ा हुआ है, अभी भी चलता वही 33-10। तो ये है अभी, लेकिन मुझे पता नहीं कि नोकिया ऐसा क्यों करता है, 3GB 32GB दे सकता है। लेकिन अगर आपको फिर भी 3GB वाला चाहिए नोकिया 5 का, आप जाके जो वो ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कुछ और कंपटीशन की मार्केट में, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह में लफड़े चल रहे थे, तो अब यहाँ पे पेमेंट एप्लीकेशन में काफी लफड़े चल रहे हैं। अभी जैसे कि भीम इंडिया का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन आया था, फिर हाइक आया, फिर बहुत सारे ऐसे आए, अभी मैं गिन नहीं सकता हूँ। पेटीएम टाइप का बात कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि अच्छा। पेमेंट करते हैं ना मोबाइल से, मोबाइल नंबर डाल के अच्छा, एक अच्छा। पर्सन दूसरे पर्सन को डायरेक्टली पेमेंट भेज सकता है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप तो आ ही रहा है, लेकिन उससे पहले फेसबुक भी अपना एक पेमेंट एप्लीकेशन लेके आ रहा है। तो यहाँ पे आप मैसेंजर के अंदर आप डायरेक्टली जाके रेड एनवेलप करके उसका नाम होगा, आप डायरेक्टली जाके एक पर्सन को दूसरे पर्सन को जो पैसा भेज सकते हैं। तो ये कुछ फेसबुक लेके आ रहा है, तो ये आपको क्या लगता है कि ये सब चीज टाइम बचाएगा लोगों का, ऐसा कुछ जरूरत है इसकी? अब कंपनी अपना भी तो सोच रही है थोड़ा कि हम कंपनी अपना भी सोच रही है थोड़ा कि हम कुछ ऐसा अच्छा लॉन्च कर देंगे तो यहीं पे लोग पेमेंट कर देंगे फटाक से, दूसरी जगह क्यों जाना है। यही इसमें यही मेंशन है कि कंपनी ने यही बोली, सही बात करें, कंपनी ने यही बोली कि वो नहीं चाहते कि आप इस एप्लीकेशन को छोड़ के कहीं और जाए और फिर पेमेंट का काम करें। आप एप्लीकेशन में चैटिंग करते करते ही इमरजेंसी में बात करते करते, क्योंकि बिजनेस आजकल ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से कंपनी आप डायरेक्टली उसी के अंदर वो पैसे भेज सकते। तो फेसबुक का भी आने वाला है, व्हाट्सएप भी आने वाला है, तो मुझे लगता है दूसरे एप्लीकेशन पे कुछ प्रेशर आ सकता है। बिल्कुल ऑफर वगैरह आएगा शायद से, मुझे ऐसा लगता है। बात करते हैं यहाँ पे बक्स की, बक्स यानी कि ओरियो यानी कि गूगल, गूगल यानी कि पिक्सल, आपको पता होगा ना घूम फिर की गाड़ी कहाँ पे आगे रुक जाती है। तो पिक्सल 2 और पिक्सल एक्सल 2 के स्मार्टफोन जब से आए तो बर्न इन डिस्प्ले के इश्यूज, बहुत सारे बग्स आ रहे हैं कि SMS नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। अब एक नया इशू आया कि कंपनी के ऑब्वियसली बता रही है कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होता है, जब इसको फोन को चार्ज करते हैं गूगल के एक्सल 2 वाला जो बड़ा वाला है ना, मैं उसकी बात कर, आपको पता नहीं होगा, गूगल के 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुए ना, तो एक पिक्सल कुछ नाम से लॉन्च हुआ, एक एक्सल 2 और एक पिक्सल एक्सल, एक पिक्सल 2 है और एक पिक्सल एक्सल 2 है, मैं हमेशा से इसमें मिक्सअप हो जाता हूँ कि क्या कुछ समझता नहीं है। तो एक जो तो एक्सल 2 वाला है उसके अंदर 18 वॉट के यहाँ पे बताया जा रहा था कुछ इसकी कैपेसिटी है, जब चार्ज होता है तो 15 वॉट पे आ जाता है और 2.5 घंटा इसको चार्ज होने में लेता है फुल, तो क्या फायदा?
ढाई घंटा इतना महंगा महंगा फोन दे रहा है, ये 70-80 हज़ार रुपए के फोन दे रहे हैं। अच्छा हमको नॉर्मल वाला भी, मैंने कौन सा एक है फ्लिपकार्ट का फोन आ रहा है उसमें फास्ट चार्ज का सपोर्ट रहा, तो बताइए हमारा नोकिया वाला घर पे आधा घंटा एक घंटा में चार्ज आता फुल एकदम। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी कितने भी महंगे स्मार्टफोन ले लो, एक iPhone 10 लो, गूगल पिक्सल एक्सेल 2 वगैरह कोई भी स्मार्टफोन ले लो, कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है, किसी ना किसी स्मार्टफोन में फॉल्ट हो ही जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ मोबाइल फोन्स के शिपमेंट्स की। यहाँ पे बता दे रहे कि ग्लोबली यहाँ पे 400 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन जो वो शिफ्ट हो रहे हैं। ज्यादातर इंडिया के अंदर बता दे रहे कि शाओमी, ओप्पो, वीवो और हुआवे जो है वो 75% मार्केट को टेक ओवर करती है। उसके बाद नीचे 600 कंपनी आती है, 600 कंपनी जो उन लोगों की नीचे आती है, और फिर बाकी के रिमेनिंग जो 25% है वो उनके पास जा रहा है। लेकिन 75% यहाँ पे नंबर वन पे शाओमी, ओप्पो, वीवो क्यों आया पता नहीं, और उसके बाद नीचे आता है हुआवे। ओप्पो वीवो का पता आपको क्या चल रहा सीन? अरे हमारे यहाँ तो बिल्कुल ओप्पो वीवो दुकान पे जाइए, हम तो खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं भाई सैमसंग का दिखा दो, चाहे रेडमी वेडमी का, सब सबसे पहले रेडमी भी पता नहीं होता। रेडमी में पहले हम तो MI कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग रेडमी, कुछ लोग सोमी बोलते हैं, तो मतलब ये पहले पता नहीं। आप समझ गए, आप लोग न्यूज वगैरह देखते हैं, आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो हमारे यहाँ बहुत दुकान वाले बोलते हैं कि भैया ओप्पो ले लीजिए ना, दिखा दे रहे हैं, वीवो ले लीजिए, पूरा फोर्स करेंगे हमको, वही करता है। आप लेने चप्पल लेंगे आपको जूता देते ये सीन हो गया, ऐसा कुछ है। तो ये इसलिए लोगों ने मार्केट टेक। हालांकि शाओमी की बात अलग है, शाओमी ने अपनी बेस से आया और उसने फीचर्स वगैरह दिया है, बहुत गर्म पड़ रहा है यहाँ पे क्यों पता नहीं। और फाइनल टेक से ले तो फाइनल टेक में एक फिर से सेकंड जोक ऑफ द डे की बात करते हैं। सैमसंग का अपना J2 प्रो करके का 2017 वाला वेरियंट जो लॉन्च हो रहा है, J2 2016 आ चुका था। मिड रेंज वाले सैमसंग के फोन्स मैंने आपसे पहले भी कहा था कभी मत खरीदना, आप एक हफ्ता यूज करेंगे फिर 10वें दिन बोलेंगे बहुत लैग होता है। अब J2 जो प्रो आ रहा है 2017 उसमें भी वही 2017 में क्यों आ रहा है, तो खत्म हो गया दिन है ना, अगले साल आ रहा है। बिल्कुल अब तो 18 आने वाला है। तो सैमसंग क्या करता है ना, मिड रेंज पे काम नहीं करते। आपको सैमसंग के फोन पसंद है? अब ये सैमसंग ही है, कौन सा फोन है? J2 है मिड रेंज। अब बताइए रोहित जी, आदमी मीडियम क्लास फैमिली क्या ले? अरे नहीं करिए सर, रोहित जी करिए, नहीं तो फिर कुछ स्पॉन्सर पे कुछ मिला तो दे दीजिए हमको, फिर और क्या हमें लेकर चलते हैं। J2 है, हाँ J2 है। एक बात आपको बता देता हूँ, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जो है मेरे डैडी, मेरे चाचा भी है, बीच में सैमसंग का फोन, बीच में शाओमी का फोन लेने गए थे दुकान के अंदर, वो सामने रख दिया पैनासोनिक और सैमसंग, आप ये लो, और वो क्लेम करता है सामने से, सब बोल रहा है, मेरे चाचा को डरा रहा है, बोलता है कि ये ना शाओमी की गारंटी नहीं, बोले इसका आफ्टर से सर्विस अच्छी नहीं है। तो मैंने मेरे चाचा को बोला कि उसको बोला कि पेपर में लिख के दे कि पैनासोनिक को सैमसंग की अच्छी है, कुछ गलती होगा तो तू बोल, तू गारंटी लेता है क्या? तो कुछ बोला नहीं, तो फिर मेरे चाचा ने शाओमी ले ऐसा। तो मैं सैमसंग की मिड रेंज के मत लो। अच्छा अच्छा, लेकिन इनका अच्छा चल रहा है, चलिए ठीक है, इस बार हम ले लेंगे। आपका अच्छा चल रहा है? अच्छा, क्या फोटो लेते हैं तो हमेशा ब्लैक आता है बहुत ज्यादा, तो हमको यही समझ में नहीं आता कि हमारे वजह से सच में ऐसा रंग है इसलिए ब्लैक आता है, या फिर सच में कैमरे में प्रॉब्लम है। नहीं, कैमरे अच्छे होते हैं, इतने बुरे नहीं होते। लेकिन कौन सा फोन ले लें हम सैमसंग को, बताइए आप? नोट 8 ही ले लो। नोट 8 क्योंकि सैमसंग के मिड रेंज के मतलब कीमत थोड़ा बता दीजिए ना, है ज्यादा महंगा नहीं सर, 68,000 इनकी 15 दिन की यूट्यूब ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट है क्योंकि सैमसंग के फ्लैगशिप ही अच्छे होते हैं, मिड रेंज के मजा नहीं आती। समझ गया, ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ और वीडियो बना सकता था धर्मेंद्र जी के साथ में, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है। मैंने पहले से सोच के रखा था, क्योंकि मैंने सब कुछ जमा करके रखा था, मुझे इनको अपने, ये मेरी जिद थी, इनको फीचर करना था अपने टेक्निक्स में। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यार आपने धर्मेंद्र जी के साथ में जो वो टेक्निक्स क्यों बना दिया, कुछ और गुफ्तगू क्यों करते थे, तो एक और वीडियो बना रहा हूं, आप जाके 2-3 दिन बाद देख सकते हैं वो हम लोगों ने क्या वीडियो बनाया, ठीक है। तो बस इतना ही था, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, और मुझे बहुत ही ऑनर फील होता है जब मैं ऐसे किसी बड़े यूट्यूबर से मिलता हूँ जो इतने फेमस है, इतने हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में मतलब आपके और मेरे बारे में भी सोचते हैं, ये ऐसे यूट्यूबर है। तो थैंक यू, आपको कैसा लग रहा, कुछ बताएंगे? बहुत अच्छा लग रहा रोहित से मिलकर, मैं रोहित की वीडियो जो है खासकर टेक्निक्स हमेशा रोहित का वॉच करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जो चीज बोलते हैं ना, रियली लगता है कि हाँ न्यूज में सुन रहा हूँ, सही सही इन्फॉर्मेशन मिलता है। हालांकि बहुत ज्यादा टेक का नॉलेज नहीं है मोबाइल का, लेकिन फिर भी जानना सोचता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि कभी कभी टेक्निक वाला टाइप का कुछ चैनल स्टार्ट करूँ या क्या, लेकिन लगता है मेरे से नहीं बनेगा, मेरे से नहीं बनेगा। एक दो दिन बीच में हम बोले थे कुछ कुछ टेक्निक, फिर छोड़ दिया है। बोलते ना एक आदमी पे जो सूट होता है ना, वही 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 करना चाहिए। आप हमारे यूट्यूब का बोलते ना बैकबोन हो, आप वो बना के रखिए, आप उसको चेंज मत करिए, बिल्कुल, बाकी सब का हमारे पे छोड़ दिए, बिल्कुल, आप इसको बाकी संभाले रहिए जी, इंशाल्लाह, और रोहित को सपोर्ट करते रहिए गाइस जी, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं पता है तो सबको पता ही है। तो बस दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, सभी लोग पानी पानी में भर गए हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, सी यू।